ट्रेडर लर्निंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को हिट करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर ही लेते हैं। सो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन पर। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है यहाँ पर अलग अलग डेटा एवं रिपोर्ट देखने को बहुत सारी मिल जाती है, और जो रिपोर्ट मेरे हिसाब से जेन्युइन लगता है कि यह वैलिड है, वह डेटा जो उसने प्रेजेंट किया है वह जेन्युइन डेटा है, तो मैं ज़रूर आप लोगों के सामने यहाँ पर रख देता हूँ। सो उसे मानना है, फर्दर स्टडी करना है, लेकिन यहाँ पर हर इंडिविजुअल का अपना अपना डिसीजन है। पर मैं आप लोगों के सामने यह रिपोर्ट रखना चाह रहा था, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि दुनिया भर में जितने भी कंट्री हैं उनमें सभी इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा फोकस अगर कोई कंट्री में होता है तो वह कंट्री है इंडिया। और मैं ऐसी ही बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, इसके पहले का भी ट्रेलर हम लोगों ने मार्केट के लिए, हर किसी को पता है दोस्तों इंडियन मार्केट को सबसे पहले चॉइस दी गई थी, और गजब का फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा हम लोगों को देखने को मिला था। अभी बहुत सारे कहेंगे कि सर फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा तो आया था पर जा भी तो रहा है। तो दोस्तों, मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा कि ऐसा कभी नहीं होता कि बस वो पैसा लगाते रहें और लाइफ टाइम पैसा निकालते रहेंगे। यार, लाइफ में प्लस माइनस का खेल कई सालों से चल ही रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इम्पोर्टेंट डेटा कौन सा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और जैसे ही मैं आप लोगों को बताया दोस्तों, ये जितनी भी चीज़ें आप लोगों के सामने यहाँ पर रख रहा हूँ, अलग अलग इस तरह की रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, डेटा देखने को मिल जाते हैं। बहुत लंबी रिपोर्ट रहती है, बट जो 10-5 मिनट का वीडियो है इसके माध्यम से उस रिपोर्ट का मेन सार मिल जाता है, राइट? अगर आप इन चीज़ों को पढ़ने जाओगे तो शायद आपको आधा एक घंटा लग जाएगा। इससे वीडियो में फॉर्म में मिल जाती हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो इक्विटी मार्केट से रिलेटेड कर रहा हूँ, एंड इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के जो देखा गया तो इस रिपोर्ट के माध्यम से बोल रहा हूँ। दो चीज़ें हमेशा देखी गई हैं, दो चीज़ें मतलब एक ऐसे प्लेयर होते हैं जो खुद पैसा लगाते हैं इक्विटी में, या फिर जो दूसरा एक चीज़ रहता है आप लोगों को पता है वो म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल करते हैं या फिर पोर्टफोलियो मैनेज करने वाले रहते हैं, उनको पैसा देते हैं, राइट? सो इसी तरीके की चीज़ हम लोगों को देखने को मिली है। एंड जो दोस्तों यहाँ पर डेटा जो हम लोगों को मिला है, PMI का डेटा, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंडस्ट्री रहता है दोस्तों, उससे रिलेटेड डेटा है। आप सभी लोगों को पता ही है कि डायरेक्टली कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने नहीं बैठता, हर किसी के अपने अपने प्रोफेशनल लाइफ है। अगर हम लोग डॉक्टर की बात करें, इंजीनियर की बात करें, तो इनको भी मार्केट में इन्वेस्ट करना रहता है, पर इनका अपना एक्सपर्टीज अलग है, लेकिन फिर भी वो अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, यस, म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल करते हैं या फिर पोर्टफोलियो मैनेजर को हायर करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का पता है, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है? एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब रहता है कि जितना पैसा कंपनी यहाँ पर मैनेज कर रही है उसी को AUM बोलते हैं। और दोस्तों ये दूसरे इंडस्ट्री में अगर डेटा की बात करें तो इंडिया का इतना ग्रो कर रहा है दोस्तों, इसी से रिलेटेड डेटा फिलहाल अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं दोस्तों 2012 की, 2012 मतलब 10 साल पहले, तो दोस्तों यही डेटा AUM का डेटा जो था 10,000 करोड़, आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, गूगल में सारा डाटा आपको अवेलेबल मिल जाएगा। 2022 10 साल में दोस्तों, कैन यू इमेजिन इंडिया में कितना बढ़ चुका है 10,000 करोड़ से। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये डेटा हो चुका है 3,00,000 करोड़। यस, मैं 3,000 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं 3,00,000 करोड़ बोल रहा हूँ।
10 साल पीछे जाओगे तो 10,000 करोड़ था, एंड यहाँ पर 2022 में किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही डेटा इंडिया का 3 लाख करोड़ जाते हुए मिल रहा है। एंड दोस्तों ये इमेजिन किया जा रहा है कि यहाँ पर 2032 मतलब आने वाले नेक्स्ट 10 साल की बात करें तो वर्स्ट सिनेरियो को भी अगर हम लोग पकड़ें तो यहाँ पर यही डेटा 30 लाख करोड़ तक जा सकता है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कितना पैसा रहेगा जो हम हमारे मार्केट में डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो यहाँ पर आते हुए देखने को मिलने वाला है। और ये तो यहाँ पर हम लोग हमारे हिसाब से बात कर रहे हैं, बाकी का जो डेटा आएगा वो तो अलग ही होगा। सो ये हम लोग जो बोलते हैं ना कि एज ए इन्वेस्टर हम लोगों के लिए सारा डेटा इम्पोर्टेंट काम करता है। हम इंडिकेटर नहीं देखते, वो इंडिकेटर चार्ट पैटर्न वो यूजुअली ट्रेडर लोगों के लिए रहता है। अगर हम लोग इन्वेस्टर्स के हिसाब से बात करें तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट रहता है कि क्या हमारे इंडियन मार्केट में पैसा आएगा या नहीं, क्या इंडियन मार्केट में ग्रोथ होगा या नहीं। तो दोस्तों मैं आँख बंद करके आप लोगों को बोल सकता हूँ कि आने वाले 10 साल में ये जो 10-15 या 20-25 साल ये इंडिया मार्केट के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये प्लस माइनस का खेल तो रोज़ ही चलता रहेगा, रोज का ही काम है ये। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंडे के दिन धनाधन हो जाएगा मार्केट, मंडे के दिन मार्केट में ग्रोथ होगी, मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ। दोस्तों मैं भविष्य में थोड़ा लंबा सोचने की बात कर रहा हूँ। जैसे 2012 में किसी ने सोचा नहीं होगा कि 2022 में 10,000 करोड़ का 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनते हुए देखने को मिलेगी, वैसे ही हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आने वाले 10 साल में इनफैक्ट मुझे लगता है कि 30 लाख करोड़ नहीं उससे भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। सो इससे हमें आउटकम क्या निकल कर आता है, आउटकम ये निकल कर आता है कि अगर आप अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अभी के जो प्लस माइनस चल रहा है उसको देख कर निराश मत होना दोस्तों, ये मार्केट का पार्ट है। अगर ये चीज़ें आप हजम नहीं कर सकते तो मार्केट में नहीं टिक सकते, और ये चीज़ें अगर आपने हजम कर ली और मार्केट में टिक गए तो 2020 भी क्रैश हुआ था, 40% मार्केट डाउन हुआ था, दुनिया ख़त्म हो गई नहीं, बिल्कुल नहीं, तो आगे भी नहीं होगी, ये तो चलने ही वाला है। दोस्तों ये चीज़ें आप लोगों को समझ आनी चाहिए। तो अगर आप इन्वेस्टर्स हो तो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कीजिए। प्लस उस रिपोर्ट में बताया गया है कि क्यों इंडिया में ज़्यादा फेवरेबल बताया जा रहा है। मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा कि आप चाहो तो उन इन्फ्लुएसन बाकी कंट्री की हालात आप लोग देख ही लिए। दोस्तों इतना इजी नहीं है इन्फ्लुएसन में काबू पाना, खास करके जो वेस्टर्न कंट्री हैं, US की बात करें, यूरोपियन कंट्री की बात करें, UK की बात करें, इन्होंने 40-50 साल के बाद चीज़ें देखी है और इनके लिए इन्फ्लुएसन कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में दोस्तों इन्फ्लुएसन भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहने वाला है, मैंने आज भी रहने वाला है। दोस्तों मैंने आपका देश है दोस्तों, यहाँ से डिमांड फुलफिल करोगे, हर किसी को तो हमेशा सप्लाई साइड से प्रॉब्लम देखने को ही मिलेगी, तो इंडिया में इन्फ्लुएसन धीरे धीरे कंट्रोल में मिल ही जाएगा। विदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलने वाला है, और अगर हम लोग बात करें हमारे इंडिया की तो कमोडिटी के प्राइजेस कितने ज़्यादा हम लोगों के नीचे आते हुए मिले हैं। तो यही बात है दोस्तों, इंडिया को आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल मार्केट के तौर पर यहाँ पर सामने रखने वाले कमोडिटी के दाम आएंगे। आप लोगों को बताकर अल्टीमेटली ये मार्केट को ही रिफ्लेक्ट करेगा। ये चीज़ें बताती हैं कि दोस्तों इंडियन मार्केट आने वाले समय में गजब की तेज़ी दिखा सकता है। तेज़ी मतलब मैं बात कर रहा हूँ, छोटा मत सोचिए, लॉन्ग टर्म की सोचिए। इसके चलते दोस्तों H&W मतलब हाई नेटवर्थ वाले जो इन्वेस्टर्स रहते हैं, जिनके पास बहुत अरबों खरबों का पैसा है, इन्वेस्टर्स वो ऐसी कंट्री में जाना नहीं चाहते जहाँ पे अग्रेसिव लीडर्स हैं,
जैसे कि बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा रसिया में इन्वेस्ट किया था डूब गए, फंस गए वहाँ पर, क्योंकि अग्रेसिव लीडर है वहाँ पर। इस कंट्री पर अटैक करो, उस कंट्री पर अटैक करो, चाइना भी इसी राह पर चल रहा है, ये भी सभी कंट्री से लड़ाई करता रहता है। तो ऐसे कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी रिस्क बन चुकी है। क्यों? क्योंकि कल अगर एसोस हो गए, क्योंकि इन कंट्रीज में अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर फंस जाएंगे। और ऐसे माहौल में सबसे बेस्ट कंट्रीज अगर कोई है इन्वेस्ट करने के लिए, अल्टरनेटिव माध्यम के सबसे अच्छा जहां पे ग्रोथ भी आना बाकी है, तो वो है इंडिया, हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसके चलते बहुत बहुत सारा पैसा हम लोगों को, रसिया तो छोड़ दीजिए, चाइना से हम लोगों को ज़रूर मिलेगा। सो ये जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, इंडियन कंपनी इंडियन मार्केट को लॉन्ग टर्म ज़बरदस्त यहाँ पर मिलने वाला है। एंड जैसे ही लोगों को बताया कि फॉरेन इन्वेस्टर, जो कि आप लोगों को पता ही है FIS जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में आते जाते रहते हैं, बट FDI की बात करूँ, FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं। अगर इनमें इक्विटी के हिसाब से भी बात करूं तो किसी भी 10% से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया तो उसको भी FDI में पकड़ा जाता है। और FDI की अगर हम बात करें तो आप लोग देख ही सकते हैं, FIS का आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडिया हैज रिकॉर्डेड हाईएस्ट एवर एनुअल FDI इनफ्लो $83.75 बिलियन इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, और ये रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। 2018-19 में 74 देन 81 देन 83, तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो इन्वेस्टमेंट रहती है FDI की, ये बहुत लंबे समय के लिए यहाँ पर रहती है, और ये आने वाले समय में और भी ग्रो हम लोगों को देखने को मिलेंगे। जो FIS है ये प्लस माइनस में आपको मिलते रहेंगे, बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, क्योंकि ये सिचुएशन के हिसाब से चलते रहते हैं। जैसे कि आप लोग चाहें तो बोल सकते हैं ट्रेडिंग टाइप ही रहता है कि अभी आए चले गए, कुछ टाइम बाद वापस आएंगे, ये चलता रहता है उनका। पर FDI बहुत लंबे अवधि के लिए यहाँ पर रहते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों। इसके चलते आने वाले समय में इंडियन मार्केट में बहुत ही गजब का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रहने वाली। दोस्तों बार बार बोल रहा हूँ, छोटा मत सोचिए, एक दिन मत सोचिए कि क्या मंडे के दिन भागने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। एक हफ्ते, एक महीने क्या होगा, ऐसा कुछ भी पता नहीं है, चलता रहता है दोस्तों, ये मार्केट है। अगर आप यहाँ लंबे समय तक वेट करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे, तब आपका पैसा बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाला है। इस रिपोर्ट से हम लोगों को यही कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम लोग जिस दिशा में जा रहे हैं बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इंडियन मार्केट में दोस्तों इसके चलते बहुत ही मतलब इतिहास बना देगा, इस तरीके की चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। 10-10 साल में हम लोगों को कभी ये चीज़ें देखी ही नहीं थी, ऐसा रिकॉर्ड ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और सबसे अहम चीज़ की प्लस के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट भी है। दोस्तों ये कोई BJP वर्सेस कांग्रेस वाली बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेबल गवर्नमेंट मार्केट को हमेशा अच्छा लगता है। स्टेबल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, कि जब वो मैच्योरिटी में रहती है तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती, डिसीजन फास्ट होते हैं। अगर वो तोड़ मरोड़ कर सरकार आ गई तो फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए एक एडिशनली पॉइंट यहाँ पर रहता है, क्योंकि डिसीजन होते हैं। इसके चलते और भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पर मिलता है। सो अगेन कहना चाहूँगा कि दोस्तों इस रिपोर्ट के चलते आप अगर इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए जरूर कंटिन्यू रहना,
ये रोज का प्लस माइनस चलता रहेगा। निफ्टी 18,000 जाएगा, 16,000 जाएगा, 14,000 जाएगा, 10,000 जाएगा, अरे चलने ही वाला है। और ये आगे भी चलता रहेगा, इसकी आदत लगा लो। बट आप लोग लॉन्ग टर्म वीक पिक्चर देखो, बहुत अच्छी संभावना भारतीय बाजार में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप अपनी राय रखना चाहते हैं कि इस वीडियो में आपको कौन सा पॉइंट आपको अच्छे लगे, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग सीखते रहिए और अपने प्रॉफिट को बढ़ाते रहिए।